नमस्ते सलाम कैसे गाइस पीपल व्हाट्स अप हमडिंग वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सो मैं पहुंच गया हूँ अपने आज के लोकेशन में विच इज इन मलाड और ये जगह का नाम है वी लाउंज एंड डेक। और ये जगह ना बहुत ही ज़्यादा नई है और जब मुझे इस जगह के बारे में मालूम पड़ा आई वॉज लाइक ओके थोड़ा रिसर्च करते जाने से पहले और फोटोज़ में जब मैंने देखा ना आई वॉज लाइक हाँ ये तो अच्छा है मस्त है लाउंज टाइप एरिया है और बहुत अच्छा भी लग रहा है देखने में। बट व्हेन आई केम ओवर हियर और जब मैंने पार्क किया और मैं अंदर गया आई वॉज लाइक ये तो अच्छा खासा जगह है बहुत। और मलाड में आई डोंट थिंक अभी तक ऐसा वाला कोई जगह खुला है। तो आपको ज़्यादा वेट नहीं कराते हुए अंदर चलते और अंदर आपको दिखाता हूँ कि कैसा रहता है। सो कुछ ऐसा था रेस्टोरेंट का कंप्लीट टूर और ऑनेस्टली अभी तक तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। सो मैं जहाँ बैठा था वो एरिया का नाम था कबाना और जैसे कि आपने देखा यहाँ पे तीन चार अलग अलग जगह हैं बैठने के लिए। तो अभी खाने पीने की शुरुआत करते हैं फाइनली। तो सबसे पहले मैंने दो टाइप के अलग अलग मॉकटेल्स मंगाए थे। पहला था हिस्टेरिया जो मैं अभी ट्राई करने वाला हूँ आपके सामने। ये वाला थोड़ा क्रैनबेरी और वाटरमेलन बेस में था और बहुत ज़्यादा टेस्टी था, स्वीट तो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत अच्छा फ्लेवर था। इफ़ यू लाइक क्रैनबेरी जूस ना ये परफेक्ट वैसा वाला फ्लेवर था। सेकंड वाला जो ड्रिंक था जो मैंने ट्राई किया था वो था माइंड स्पेस और ये वाला एक्चुअली मेरा फेवरेट ड्रिंक है अब तक। मैं जहाँ भी गया हूँ मैं ब्लू लगून पीता था बट दिस हैज चेंज माई माइंड क्योंकि ये पहला मॉकटेल होगा जो योगर्ट बेस में बनाया गया एंड स्ट्रॉबेरी भी था ऑब्वियसली इसमें। इतना ज़्यादा टेस्टी था पूछो मत। मतलब ओवर द कोर्स ऑफ टाइम तुम लोग पूरे वीडियो में देखने वाले हो क्योंकि आई लव्ड इट सो मच। मैं उसको स्लोली स्लोली पी रहा था और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। मूविंग ऑन टू आर वेरी फर्स्ट स्टार्टर, तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया चिकन लॉली पॉपकॉर्न। हाँ आपने सही सुना, पॉपकॉर्न, क्योंकि ना दिस वर द मोस्ट क्रिस्पीएस्ट लॉलीपॉप आई हैव एवर हैड। मतलब अब तक मैं जितने भी रेस्टोरेंट में गया हूँ ना इतना क्रिस्पी लॉलीपॉप मैंने कहीं भी नहीं खाया एंड आई कैन बेट ऑन दैट कि तुमने भी कहीं नहीं खाया होगा। ऑल्सो द पर्सन यू सी सिटिंग बिसाइड्स मी इज द सीईओ ऑफ द रेस्टोरेंट एंड ही हैज़ अ 25-year-old एक्सपीरियंस इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। उनका नाम है डॉक्टर आनंद वैद्यनाथन। अब बारी आती है अगला स्टार्टर ट्राई करने की और ये वाला भी बहुत ही क्रेजी स्टार्टर है। ये था पहाड़ी तंगड़ी। तो अब तक जहाँ भी तुमने पहाड़ी कबाब खाए होंगे वहाँ बेसिकली तुम्हें बहुत छोटे छोटे पीसेस मिले होंगे, राइट? बट इन पहाड़ी तंगड़ी यू गेट 6 ह्यूज पीसेस ऑफ पहाड़ी चिकन एंड मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मुँह से पानी छूट रहा है और मैं पागल हो रहा था उसे देख के। तो चलो अभी बाइट लेता और बताता हूँ कि ये कैसा टेस्ट करता है। और ऑनेस्टली ये बहुत ही ज़्यादा हेवनली टेस्ट करता है, एक परफेक्ट मीडियम स्पाइसी वाला फ्लेवर है उसको जो पहाड़ी का टेस्ट है। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जा रहा था ना रेस्टोरेंट में भीड़ भी बढ़ती जा रही थी प्लस रेस्टोरेंट की वाइब भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई जा रही थी। और यहाँ पे उन्होंने एक स्पेशल एक्ट भी अरेंज किया था, ये देखो। This was crazy, right? Honestly, live में देखने का मजा इसका कुछ अलग ही था। Now moving on to a veg starter, तो सबसे पहले हमने try किया मशरूम चिल्ली। अब तुम्हें तो पता है कि मैं मशरूम का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ बट जब मैंने इसे टेस्ट किया ना मेरे को सबसे पहले लगा ये तो बॉस चिकन चिल्ली का एग्जैक्ट कॉपी है और ऑनेस्टली मुझे मज़ा आया खाने के लिए, फिर मैं उसे मस्त पेट भर के खाने लग गया। सो हमारा लास्ट स्टार्टर ऑफ द डे वॉज ऑल्सो देयर सिग्नेचर डिश विच वॉज कॉल्ड क्रैकलिंग पनीर और ये ना उन्होंने एक स्पेशल सॉस के साथ सर्व किया गया था। अभी वो सॉस एग्जैक्टली
क्या चीज़ों का मिक्सचर था वो मुझे याद नहीं, बट आई थिंक मेयो था और भी दो तीन चीज़ें थी, बट वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। प्लस ये जो पनीर है ना, यूजली तुम्हारे टिक्का जैसा बिल्कुल भी नहीं था, उसके ऊपर जो कोटिंग दिख रही है ना वो बहुत ज़्यादा अलग है। तुम उसे सामने से देखोगे तो तुम्हें समझ जाएगा कि ये तो कुछ अलग ही डिश है बॉस, और ये लिटरली कुछ अलग सा हट के सा था, तो मज़ा आया उसे भी खाने के लिए। एंड जैसे मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि रेस्टोरेंट का टूर हुआ ख़त्म, बट एक्चुअली वो ख़त्म नहीं हुआ था, एक्चुअली उसकी शुरुआत ही हुई थी, बिकॉज दे हैव अ बैंक्वेट हॉल ऑफ अप्रॉक्स 200 पीपल, जहाँ पे तुम अगर कुछ फंक्शन रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो, और बहुत ही अच्छा खासा बैंक्वेट हॉल था बॉस, मुझे तो देख के अच्छा लगा वो। प्लस दे हैव अ लॉन एरिया एज वेल, और अगर तुम्हें और भी बड़ा फंक्शन करना है ना तो दे ऑल्सो हैव अ लॉन एरिया फॉर 1000 पीपल, विच इज़ लाइक अ बेस्ट थिंग। और यहाँ मैं, मेरा कैमरा और आनंद सर शूट करने में बिजी है और वहाँ सब पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, तो इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि हमें बहुत कुछ मिस आउट करना पड़ता है। बट मूविंग ऑन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पे ना अलग अलग दिनों पे अलग अलग चीज़ें होती रहती है, जैसे कभी कभी सूफी नाइट होता है, कभी कभी बैंड आता है, कभी कभी बॉलीवुड नाइट होता है। तो यहाँ पे जब भी आ रहे हो ना, कॉल करके रिजर्वेशन कर लेना, और आगे डील भी है वो भी देख के ही जाना। एंड देन मूविंग ऑन टू आर मेन कोर्स सेक्शन, तो हमने मंगाया था वेज अराबियाटा पास्ता, और ऑनेस्टली ये वाला पास्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मतलब आई लव स्पाइसी पास्ता एंड वेरी वेरी फ्लेवरफुल पास्ता, तो ये परफेक्टली वैसा था, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे तो खाने के लिए। वन ऑफ द बेस्ट पास्ता इन अ नॉन इटालियन रेस्टोरेंट आई हैव टू से। और फिर इतना सब कुछ अच्छी चीज़ें खाने के बाद मैंने सोचा इनकी आखिरी सिग्नेचर डिश भी मंगा ही लेते हैं, विच वॉज चिकन बिरयानी। तो मैंने इन पर स्पेशली कहा था कि प्लीज़ मेरी बिरयानी मसालेदार बनाना, और उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी वाली मसालेदार बिरयानी बना के दी है। एंड जब मैंने इसे टेस्ट किया ना, आई वॉज लाइक वाओ, दिस इज कम्प्लीटली वर्थ इट, एंड इट हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ देयर सिग्नेचर डिश। तो यहाँ पे आ रहे हो तो ये ज़रूर ट्राई करना। अब जाते जाते इवन दो आई वॉज सुपर फुल और पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, इन्होंने मुझे स्पेशली रेकमेंड किया कि प्लीज़ हैव आर शराबी जलेबी विथ रबड़ी। तो आई वॉज लाइक ओके, ये नाम सुन के तो कुछ हटके ही लग रहा है, तो चलो ट्राई कर ही लेते हैं। तो जब मैंने देखा आई वॉज लाइक ओके, दिस वॉज कम्प्लीटली वर्थ इट, और टेस्ट में इतना ज़्यादा फ़र्क बिल्कुल भी नहीं आया उसके वजह से। एक स्मोकी सा फ्लेवर आया ऑब्वियसली, बट टेस्ट में ऐसा मत सोचो कि जलेबी का फ्लेवर चला गया या वैसे कुछ हो गया, तो वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा था। प्लस रादर जो उनकी रबड़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ही ज़्यादा प्योर थी, तो उसके वजह से जलेबी खाने का मज़ा दुगना हो गया था। और फिर देखते देखते टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला। I am honestly in love with this place and I'm going to come here a lot of times, and I recommend you guys also to come here a lot of times, and a big thank you to Dr. Anand and the chef for hosting us, even though he is the CEO of the restaurant, unke sath khane mein bahut zyada maza hai, wo bahut zyada down to earth hai aur jolly person bhi hai। So finally mera dinner abhi khatam hua aur abhi raat ke almost 11:30 baj gaye, बट यू कैन लिसन टू इट राइट। अभी भी पीछे मेरे पीछे गाने चल ही रहे और पार्टी चल ही रही, अंदर सब लोग नाच रहे, सब लोग बहुत अलग वाले मूड में, बट आई वॉज लाइक मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं सुबह से बाहर हूँ, आई हैव टू गो होम नाउ। सो बाकी बातें और डील की बातें घर चल के करते हैं। आई होप तुमको यहाँ तक वीडियो देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया होगा, क्योंकि मुझे तो खा के लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। प्लस द वाइब ओवर हियर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड किक एस, तो अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो ना तो टू गुड। सो कुछ ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस एट वी लाउंज एंड डेक। और अब बारी आती है डील की, तो डील कुछ ऐसी है कि इफ़ यू टेल देम दैट यू आर अ व्यूअर ऑफ लिमिट अप विद राजीव, यू कैन गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन योर कंप्लीट बिल। और उससे बेस्ट क्या ही हो सकता है, जैसे कि आपने प्राइसेस देख लिए, इतना ज़्यादा कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं है, तो आपके बजट में और सॉर्टेड भी, और 10% डिस्काउंट में मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। व्हाट आई लाइक अबाउट देयर इज कि ना उनका सर्विस बहुत अच्छा है, उनका खाना तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है, जितना अच्छा उनका प्रेजेंटेशन था ना उससे अच्छा और उससे ज़्यादा टेस्टी उनका खाना था। आई विश मैं जब खा रहा था मैं तभी बोल पाता, बट इतना ज़्यादा म्यूज़िक था ना वहाँ पे कि मैं बोल नहीं पाया, नहीं तो मैं आपको अच्छे से समझाता कि वो खाने का टेस्ट जो था ना बॉस अलग लेवल का था। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर यहाँ पे जाना। एंड इफ़ यू आर अ सिज़लर फैन, यहाँ पे एक सिज़लर फेस्ट भी चल रहा है फरवरी एंड तक, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो और वो फेस्ट की एंजॉय कर सकते हो। विद दैट सेड, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ बिग 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 थम्स अप एंड सब्सक्राइब इफ यू स्टिल हैवंट। और अगर अभी तक आपने मेरे पुराने वाले वीडियो नहीं देखे तो जरूर जाके चेक कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक घूमो नाचो खाओ मस्ती में रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप यहाँ पे जा रहे हो ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कैसे जा रहे हैं।
ऐसे भी बता दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।